नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूराय सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणि। विवेकानंद राष्ट्र को आह्वान। मनुष्य की ईश्वर भाव से सेवा। अपने जीवन में मैंने जो एक श्रेष्ठतम पाठ पढ़ा वह यह है कि किसी भी कार्य के साधनों के विषय में उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना कि उसके लक्ष्य के विषय में। इस एक तत्व से मैं सर्वदा बड़े बड़े पाठ सीखता आया हूँ और मेरा यह मत है कि सब प्रकार की सफलताओं की कुंजी इसी तत्व में है। साधनों की ओर भी उतना ही ध्यान देना आवश्यक है जितना कि साध्य की ओर। दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य का अर्थ है दूसरों की सहायता करना, संसार का भला करना। अब प्रश्न यह उठता है कि हम संसार का भला क्यों करें। वास्तव में बात यह है कि ऊपर से तो हम संसार का उपकार करते हैं परंतु असल में हम अपना ही उपकार करते हैं। एक दाता के ऊंचे आसन पर खड़े होकर और अपने हाथ में दो पैसे लेकर या मत कहो ऐ भिखारी ले या मैं तुझे देता हूँ, परंतु तुम स्वयं इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि तुम्हें वह निर्धन व्यक्ति मिला जिसे दान देकर तुमने स्वयं अपना उपकार किया। धन्य पाने वाला नहीं होता, देने वाला होता है। इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि संसार में तुम्हें अपनी दयालुता का प्रयोग करने और इस प्रकार पवित्र एवं पूर्ण होने का अवसर प्राप्त हुआ। जो ठंडे मस्तिष्क वाला और शांत है, जो उत्तम ढंग से विचार करके कार्य करता है, जिसके स्नायु सहज ही उत्तेजित नहीं हो उठते तथा जो अत्यंत प्रेम और सहानुभूति संपन्न है, केवल वही व्यक्ति संसार में सत्कार्य कर सकता है और इस तरह उससे अपना भी कल्याण कर सकता है। बड़े काम में बहुत समय तक लगातार और असामान्य प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। यदि थोड़े से व्यक्ति असफल भी हो जाए तो भी उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। संसार में यह नियम ही है कि अनेकों नीचे गिरते हैं, कितने ही दुख आते हैं तथा कितनी ही भयंकर कठिनाइयां सामने उपस्थित होती हैं एवं स्वार्थपरता तथा अन्य बुराइयों के साथ हृदय में घोर संघर्ष होता है। जबकि आध्यात्मिकता की प्रज्वलित अग्नि की जांच से इन सभी का विनाश होने वाला होता है। दुष्कर्म द्वारा हम केवल अपना ही नहीं वरन दूसरों का भी अहित करते हैं और सत्कर्म द्वारा हम अपना तथा दूसरों का भी भला करते हैं। कर्मयोग के अनुसार बिना फल उत्पन्न किए कोई भी कर्म नष्ट नहीं हो सकता। प्रकृति की कोई भी शक्ति उसे फल उत्पन्न करने से नहीं रोक सकती। यदि मैं कोई बुरा कर्म करूं, तो उसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। विश्व में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इसे रोक सके। इसी प्रकार यदि मैं कोई सत्कार्य करूं, तो विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसके शुभ फल को रोक सके। सब प्रकार की नीति शुभ तथा मंगल का मूल मंत्र मैं नहीं तुम है। कौन सोचता है कि स्वर्ग और नरक है या नहीं? कौन सोचता है कि मेरी आत्मा है या नहीं? कौन सोचता है कि कोई अनश्वर सत्ता है या नहीं? हमारे सामने यह सारा संसार है जो महादुख से परिपूर्ण है। बुद्ध के समान इस संसार सागर में गोता लगाकर या तो इस संसार के दुख को दूर करो या इस प्रयत्न में प्राण त्याग दो, अपने को भूल जाओ। मस्तिष्क हो या नास्तिक, आस्तिक हो या नास्तिक, अज्ञेयवादी हो या वेदांती, ईसाई हो या मुसलमान, प्रत्येक के लिए यही सबसे पहला पाठ है। एकमात्र बुद्ध ही ऐसे महापुरुष थे
जो कहते थे, मैं ईश्वर के बारे में तुम्हारे मत मतांतरों को जानने की परवाह नहीं करता। आत्मा के बारे में विभिन्न सूक्ष्म बातों पर बहस करने से क्या लाभ? भला करो और भले बनो, बस यही तुम्हें निर्वाण की ओर अथवा जो कुछ सत्य हो उसकी ओर ले जाएगा। केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतया निस्वार्थ है, जिसे न तो धन की लालसा है, न कीर्ति की और न किसी अन्य वस्तु की ही। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा और उसके भीतर से ऐसी कार्य शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। स्वार्थपरता ही अर्थात स्वयं के संबंध में पहले सोचना ही सबसे बड़ा पाप है। जो मनुष्य यह सोचता रहता है कि मैं पहले खा लूँ, मुझे ही सबसे अधिक धन मिल जाए, मैं ही सर्वस्व का अधिकारी बन जाऊँ, मेरी ही सबसे पहले मुक्ति हो जाए तथा मैं ही औरों से पहले सीधा स्वर्ग को चला जाऊँ, वह निश्चय ही स्वार्थी है। निस्वार्थी व्यक्ति तो यह कहता है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे स्वर्ग जाने की भी कोई आकांक्षा नहीं है, यदि मेरे नरक में जाने से भी किसी को लाभ हो सकता है तो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ। यह निस्वार्थता ही धर्म की परीक्षा है, जिसमें जितनी ही अधिक निस्वार्थता है वह उतना ही आध्यात्मिक है तथा उतना ही श्री शिव जी के समीप है। तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते, तुम्हें केवल सेवा का अधिकार है। प्रभु की संतान की यदि भाग्यवान हो तो स्वयं प्रभु की ही सेवा करो, यदि ईश्वर के अनुग्रह से उसकी किसी संतान की सेवा कर सकोगे तो तुम धन्य हो जाओगे। अपने को ही बहुत बड़ा मत समझो, तुम धन्य हो क्योंकि सेवा करने का तुमको अधिकार मिला है और दूसरों को नहीं मिला। यह सेवा तुम्हारे लिए पूजा के तुल्य है। हम धन्य हैं जो हमें यह सौभाग्य प्राप्त है कि हम उनके लिए कर्म करें, उनकी सहायता देने के लिए नहीं। इस सहायता शब्द को मन से सदा के लिए निकाल दो, तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते। यह सोचना कि तुम सहायता कर सकते हो महापातक है, ईश्वर की घोर निंदा है। तुम स्वयं उनकी इच्छा से यहाँ पर हो, क्या तुम्हारे कहने का यह तात्पर्य है कि तुम उनकी सहायता करते हो? नहीं, सहायता नहीं, तुम उनकी पूजा करते हो। जब तुम कुत्ते को एक ग्रास खाना देते हो तब तुम कुत्ते की ईश्वर रूप से पूजा करते हो। भगवान उस कुत्ते में हैं, कुत्ते के रूप में प्रकट हुए हैं, वे ही सर्वस्व हैं, सर्वभूतों में हैं। मैंने इतनी तपस्या करके यही सार समझा है कि जीव जीव में वे अधिष्ठित हैं, इसके अतिरिक्त ईश्वर और कुछ भी नहीं है। जो जीवों के प्रति दया करता है वही व्यक्ति ईश्वर की सेवा कर रहा है। इस संसार रूप नरक कुंड में एक दिन के लिए भी किसी व्यक्ति के चित्त में थोड़ा सा आनंद एवं शांति प्रदान की जा सके तो उतना ही सत्य है। आजन्म मैं तो यही देख रहा हूँ, बाकी सब कुछ व्यर्थ ही कल्पनाएं हैं। एक बात जो मैं सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट देखता हूँ वह यह कि अज्ञान ही दुख का कारण है और कुछ नहीं। जगत को प्रकाश कौन देगा? भूतकाल में बलिदान का नियम था और सुख दुख है कि युगों तक ऐसा ही रहेगा। संसार के वीरों को और सर्वश्रेष्ठों को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अपना बलिदान करना होगा। असीम दया और प्रेम से परिपूर्ण सैकड़ों बुद्धों की आवश्यकता है। व्यर्थ का असंतोष जताते हुए शक्ति क्षय करने के बदले हम चुपचाप और वीरता के साथ काम करते चले जाएं। मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि संसार की कोई भी शक्ति किसी से वह वस्तु अलग नहीं रख सकती जिसके लिए वह वास्तव में योग्य हो। अतीत तो हमारा गौरवमय था ही, पर मुझे हार्दिक विश्वास है कि भविष्य और भी गौरवमय होगा। महामोहग्रस्त लोगों की ओर दृष्टिपात करो, हाय हृदय भेदकारी करुणापूर्ण उनके आर्तनाद को सुनो। हे वीरों, बद्धों को पास मुक्त करने, दरिद्रों के कष्टों को कम करने तथा अज्ञजनों का हृदयांधकार दूर करने के लिए आगे बढ़ो। डरो नहीं, डरो नहीं, यही वेदांत दुंदुभि का स्पष्ट उद्घोष है। अपने में ब्रह्म भाव को अभिव्यक्त करने का यही एकमात्र उपाय है कि
इस विषय में दूसरों की सहायता करना। यदि प्रकृति के राज्य में समता न भी हो तो भी सबको समान सुविधा मिलनी चाहिए। फिर भी यदि किसी को अधिक तथा किसी को कम सुविधा देना हो तो बलवान की अपेक्षा दुर्बल को अधिक सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। अर्थात चांडाल के लिए शिक्षा की जितनी आवश्यकता है उतनी ब्राह्मण के लिए नहीं। यदि किसी ब्राह्मण के पुत्र के लिए एक शिक्षक आवश्यक हो तो चांडाल के लड़के के लिए 10 शिक्षक चाहिए। कारण यह है कि जिसकी बुद्धि की स्वाभाविक प्रखरता प्रकृति के द्वारा नहीं हुई है उसके लिए अधिक सहायता करनी होगी। चिकने चुपड़े तेल लगाना पागलों का काम है। दरिद्र प्रदलित तथा अज्ञ लोग तुम्हारे ईश्वर बने। समस्त उपासनाओं का यही रहस्य तथा मर्म है कि मनुष्य शुद्ध रहे तथा दूसरों के प्रति सदैव भला करे। वह मनुष्य जो शिव जी को निर्धन दुर्बल तथा रुग्ण व्यक्ति में भी देखता है वही सचमुच से शिव जी की उपासना करता है। परंतु यदि वह उन्हें केवल मूर्ति में ही देखता है तो कहा जा सकता है कि उसकी उपासना अभी नितांत प्रारंभिक ही है। बुद्ध का चरित्र बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति भी जो नास्तिक है, जिसका किसी दर्शन में विश्वास नहीं, जो न किसी संप्रदाय को मानता है और न किसी मंदिर मस्जिद में ही जाता है, जो घोर जड़वादी है, परमोच्च अवस्था प्राप्त कर सकता है। जगत में वे ही एकमात्र ऐसे थे जो यज्ञों में पशु बलि निवारण के हेतु किसी प्राणी के जीवन रक्षणार्थ अपना जीवन भी न्यौछावर करने को तत्पर रहते थे। एक बार उन्होंने एक राजा से कहा, यदि किसी निरीह पशु के होम करने से तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है तो मनुष्य के होम से और किसी उच्च फल की प्राप्ति होगी। राजन, उस पशु के पास काट कर मेरी आहुति दे दो, शायद तुम्हारा अधिक कल्याण हो सके। राजा स्तब्ध हो गया। साधुओं का जीवन परोपकार के लिए ही है। प्राज्ञ व्यक्तियों को दूसरों के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए। संसार में यही एकमात्र रास्ता है। तुम्हारी भलाई करने से मेरी भी भलाई है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गांव-गांव तथा घर घर में जाकर लोकहित एवं ऐसे कार्यों में आत्मनियोग करो जिससे कि जगत का कल्याण हो सके। चाहे अपने को नरक में क्यों न जाना पड़े परंतु दूसरों की मुक्ति हो। मृत्यु जब अवश्यंभावी है तब सत्कार्य के लिए प्राण त्याग करना ही श्रेय है। जगत के इतिहास से तुम जानते हो कि महापुरुष ने बड़े बड़े स्वार्थ त्याग किए और उनके सुख फल का भोग जनता ने ही किया। अगर तुम अपने ही मुक्ति के लिए सब कुछ त्यागना चाहते हो तो फिर त्याग कैसा? क्या तुम संसार के कल्याण के लिए अपनी मुक्ति कामना तक छोड़ने को तैयार हो? तुम स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो, इस पर विचार करो। यह संसार कायरों के लिए नहीं है, पलायन की चेष्टा मत करो। सफलता अथवा असफलता की चिंता मत करो। पूर्ण निष्काम संकल्प में अपने को लय कर दो और कर्तव्य करते चलो। समझ लो कि सिद्धि पाने के लिए जन्मी बुद्धि अपने आप को दृढ़ संकल्प में लय करके सतत कर्मरत रहती है। जीवन संग्राम के मध्य डटे रहो। सुप्तावस्था में अथवा एक गुफा के भीतर तो कोई भी शांत रह सकता है। कर्म के आवर्त और उन्मादन के बीच दृढ़ रहो और केंद्र तक पहुँचो। और यदि तुम केंद्र पा गए तो फिर तुम्हें कोई विचलित नहीं कर सकता। लाखों स्त्री पुरुष पवित्रता के अग्निमंत्र से दीक्षित होकर भगवान के प्रति अटल विश्वास से शक्तिमान बनकर और गरीबों पतितों तथा पद्दलितों के प्रति सहानुभूति से सिंह के समान साहसी बनकर इस संपूर्ण भारत देश में सर्वत्र उद्धार के संदेश का, सेवा के संदेश का, सामाजिक उत्थान के संदेश का, समानता के संदेश का प्रचार करते हुए विचरण करेंगे। बच्चा, यदि तुम मेरी बात सुनो तो तुम्हें अब पहले कमरे का दरवाज़ा और खिड़कियां खुली रखनी होगी। तुम्हारे घर के पास, बस्ती के पास कितने अभावग्रस्त तथा दुखी लोग रहते हैं, उनकी तुम्हें यथासाध्य सेवा करनी होगी। जो पीड़ित हैं उनके लिए औषधि और पथ्य का प्रबंध करो और शरीर के द्वारा उनकी सेवा शुश्रूषा करो। जो भूखा है उसके लिए खाने का प्रबंध करो। तुमने तो इतना पढ़ा लिखा है,
अब जो अज्ञानी है उसे वाणी द्वारा जहाँ तक हो सके समझाओ। यदि तुम मेरा परामर्श मानो तो इस प्रकार अपने भाइयों की यथासाध्य सेवा करो। यदि तुम इस प्रकार कर सकोगे तो तुम्हारे मन को अवश्य शांति मिलेगी। पहले तो हम में यह छात्र भाव ही कहाँ है जो हर व्यक्ति की आत्मनियंत्रण संयम सेवा और आज्ञा पालन सिखलाता है। छात्र भाव वीरता आत्मतुष्टि और प्रभुत्व में नहीं है, वह आत्मत्याग में है। हमें दूसरों के हृदय और जीवन पर अधिकार पाने के पहले आदेश मिलने पर अग्रसर हो अपने जीवन की बलि देने के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले अपनी बलि देनी चाहिए। भय ही मृत्यु है, भय से पार हो जाना चाहिए। आज से ही भय शून्य हो जाओ। अपने मोक्ष तथा परहित के निमित्त आत्मोत्सर्ग करने के लिए अग्रसर हो जाओ। थोड़ी सी हड्डी तथा मांस का बोझ लिए फिरने से क्या लाभ। ऊंचे पद वालों या धनिकों का भरोसा न करना, उनमें जीवनी शक्ति नहीं है, वे तो जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। भरोसा तुम लोगों पर है, गरीब पद मर्यादा रहित किंतु विश्वासी तुम ही लोगों पर। ईश्वर पर भरोसा रखो, किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं, उससे कुछ भी नहीं होता। दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर के पास सहायता की प्रार्थना करो, सहायता अवश्य मिलेगी। मैं इस देश में भूख या जाड़े से भले ही मर जाऊं, परंतु मेरे नवयुवकों, मैं गरीब भूखों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणपण प्रयत्न को छाती के तौर पर तुम्हें अर्पण करता हूँ। अपना सारा जीवन इस 3 करोड़ लोगों के उद्धार के लिए अर्पण कर देने का व्रत लो जो दिनों दिन डूबते जा रहे हैं। संसार 6 श्रद्धालु मनुष्यों का इतिहास, 6 अत्यंत शुद्ध चरित्रवान मनुष्यों का इतिहास है। हमें 3 वस्तुओं की आवश्यकता है, अनुभव करने के लिए हृदय की, कल्पना करने के लिए मस्तिष्क की और काम करने के लिए हाथ की। पहले हमें संसार के बाहर जाना चाहिए और अपने लिए समुचित उपकरण तैयार करने चाहिए। अपने को एक डायनमो बनाओ। पहले संसार के लिए महसूस करो, अपने से पूछो तुम्हारा मन घृणा अथवा ईर्ष्या की प्रतिक्रिया करता है या नहीं। संसार में जो टनों घृणा और क्रोध उड़ेला जा रहा है उससे भले कार्यों का निरंतर निराकरण हो रहा है। यदि तुम पवित्र हो, यदि तुम सशक्त हो तो तुम अकेले ही समस्त संसार के बराबर हो। इस तरह का दिन क्या कभी होगा कि परोपकार के लिए जान जाएगी। दुनिया बच्चों का खिलवाड़ नहीं है, बड़े आदमी वे हैं जो अपने हृदय रुधिर से दूसरों का रास्ता तैयार करते हैं। यदि यही सदा से होता आया है। एक आदमी अपना शरीर पात करके सेतु निर्माण करता है और हजारों आदमी उसके ऊपर से नदी पार करते हैं। एवमस्तु एवमस्तु, ऐसा ही हो ऐसा ही हो।